स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परमार कुकिंग चला। तो दोस्तों आज की रेसिपी अपनी पनीर रोल, जिसको पनीर काठी रोल भी बोलते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट जैसे बना के दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से आग्रह तो बन रही है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। दोस्तों इस तरीके से अपन पनीर के दोस्तों पीस कर लेंगे, फिर अपन इनको मसाला लगाते हैं अच्छे से। हल्दी पाउडर डालेंगे सबसे पहले, तो नमक डालेंगे, बाकी नमक डालेंगे अपन जब रोल बनाएंगे तब। गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कश्मीरी मिर्च भी डाल लेते हैं, ये कलर के लिए रहती है, ज़्यादा तीखी नहीं रहती है। तो एक चम्मच डाल लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो लास्ट में डाल लेते हैं दही दोस्तों, दही डालना जरूरी है, दही में से पानी निकाल लेते दोस्तों, जो ये टंगा हुआ दही है, तो ये अपन डाल लेते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, अब अपन पनीर अब अपन वेजिटेबल अपने काट लेते, तो इस तरीके से लंबी लंबी काट लेंगे अपनी शिमला मिर्च दोस्तों, ऐसे लंबी लंबी अपनी गाजर भी काट लेंगे दोस्तों, पत्ता गोभी भी इस तरीके से लंबा लंबा दोस्तों काट लेंगे, प्याज को भी इस तरीके से काट लेंगे लंबा लंबा दोस्तों। ठीक है, फिर अपन इनके पीसेस अलग कर लेंगे। तो सारे वेजिटेबल अपन ने काट लिए, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और प्याज, मैदा ले लिया है। अब अपन इस मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आटा देखो अपना अच्छे से गूंद के तैयार हो गया। अब अपन पनीर को पहले अपना तंदूर जैसा कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, तवा चढ़ा लिया और अब अपन इसमें तेल डाल देते हैं दोस्तों। तो अब अपन इसमें पनीर डाल लेते हैं दोस्तों अपने, तो अब इनको अपन अच्छे से सेक लेंगे, फिर अपन इसी में डाल देंगे अपने वेजिटेबल। अच्छे से सेक गए, अब अपन ये सारे वेजिटेबल इसी में डाल देंगे दोस्तों, अच्छे से सब डाल देंगे दोस्तों। अच्छे से इसको उलट पलट कर लेंगे और अच्छे से अपन सारे वेजिटेबल को सेक लेंगे 3 मिनट और अच्छे से पका लेंगे। पूरा पक गया दोस्तों, अब अपन इसको निकाल लेते हैं थाली में दोस्तों, फिर अपन बनाते हैं अपना रोल के लिए रोटी। मैदे की गोली अपने लोई ले ली है, अब अपन अच्छे से कर करके इसकी रोटी दोस्तों बना लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल बड़ी रोटी अपन बना लेंगे दोस्तों, गोल गोल दोस्तों। ये देखो अपन ने अच्छे कितनी बड़ी रोटी बना ली, अब अपन इसको तवा पे डाल देते हैं। तो बाकी सारी लोई की भी अपन इसी तरीके से बना लेंगे, अब अपन इसको अच्छे से पलट लेंगे दोस्तों। अच्छे से सेक गया है, अब अपन इसको थोड़ा सा तेल डाल के सेक लेंगे अच्छे से। ये देखो रोटी अपनी सेक के तैयार हो गए दोस्तों, अब अपन इस पे बनाएंगे रोल दोस्तों। अब अपन ने रोटी रख ली, अब अपन इसका बनाते हैं रोल। तो दोस्तों सब अपन मसाले इसमें अच्छे से स्टफिंग कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सही से मसाला भर लेंगे पूरे, इस तरीके से भरेंगे अपन दोस्तों। ठीक है, तो नमक डाल देंगे थोड़ा सा, तो डाल देंगे इसमें पनीर मसाला, क्योंकि अपन पनीर रोल बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, डाल लेंगे अपन सॉस, सॉस का डालना बहुत ही जरूरी, क्योंकि पूरा फ्लेवर सॉस से ही आएगा। तो अब अपन इसको कर लेते हैं रोल, बना लेते हैं अपन इसका अच्छे से, और नीचे से कर लेंगे अपन इस तरीके से बंद। तो दोस्तों ये देखो कितने मस्त तरीके से रोल अपना बन गया दोस्तों। ये रोल देखिए, पहले आप देखिए कितना मस्त तरीके से बन के तैयार हो गया दोस्तों, और खुशबू भी बहुत ही शानदार आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ दोस्तों, रेसिपी और चैनल पर ना तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करो, और आप कमेंट करो वही आपको मैं बना के दिखाऊंगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।